गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे और शुरू करते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO या फिर ब्रो जिसको बोलते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करेगा वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास। ठीक है, शिंकुला पास यहाँ पर करेगा, जो कनेक्ट करेगी हिमाचल प्रदेश को टू जास्कर वैली इन लद्दाख। गवर्नमेंट ने यह अप्रूव कर दिया है, पहले से ही ये प्रपोजल था लेकिन अप्रूव किया गया है अभी, और ये कंप्लीट होगी 2025 तक बनकर। ये जास्कर वैली जो है, आप जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आपने चैनल पर ज्योग्राफी की सीरीज़ देखी होगी उसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सर कवर करवा रहे हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में है, शिंकुला पास हो गया, जास्कर वैली है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से देख लेनी चाहिए स्टैटिक पार्ट में भी। ठीक है, कितना डिस्टेंस है इसका, तो 4.1 किलोमीटर की ये टनल रहने वाली है, शिंकुला टनल। ये प्रोजेक्ट योजक का पार्ट है, प्रोजेक्ट योजक जो है BRO के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर मनाली लेह रूट इज़ एक्सेसिबल ऑल थ्रू द ईयर। शिंकुला पास, यहाँ पर एक टनल बन रही है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल होने वाली है। इसकी हाइट भी आप याद रख सकते हैं, 16,580 फीट की ये टनल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। दिव्य कला मेला ये ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में, और कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा काला घोड़ा फेस्टिवल, वो भी मुंबई में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो दिव्यांगजन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट और नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके द्वारा ये मिलकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक यूनिक एग्जीबिशन कम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो कि दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स और आर्टिसंस हैं उनके द्वारा इनको बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, दिव्य कला मेला। अभी यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। तो मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में ये सेलिब्रेट हुआ, फिर बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में, लाई हरोबा ये त्रिपुरा का एक फेस्टिवल है, बक्स बर्ड फेस्टिवल ये वेस्ट बंगाल का है, जो कुटपई फेस्टिवल ये मिज़ोरम का है, फिर धनु जात्रा उड़ीसा, माधवपुर मेला ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया, चैरियट फेस्टिवल ये तमिलनाडु का है, और नेशनल फिर कुछ फेस्टिवल देखें तो करावली फेस्टिवल ये कर्नाटका में होता है, माघ बिहू असम का है, जल्लीकट्टू ये मदुरई तमिलनाडु में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, चापचारकूट फेस्टिवल मिज़ोरम का है, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का, नगोबा जात्रा ये है तेलंगाना का, फिर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये हरियाणा का है, और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। Who has been appointed as the new CEO of YouTube? YouTube के नए CEO बनाए गए हैं नील मोहन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, आपने बहुत इनको देखा होगा। अभी नील मोहन इंडियन ओरिजिन के हैं ये, और ये YouTube के नए CEO बने हैं। ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं, तो सुजैन डियाने वोज़्किकी जो थे इनसे पहले, इनको ये रिप्लेस करेंगे। सुजैन ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया था। अगर हम YouTube की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। इसकी स्थापना कब हुई थी, YouTube लॉन्च हुआ था 14 फरवरी 2005 को बाय स्टीव शेन, चार्ड हर्ली और जावेद करीम, और ये Google द्वारा ओन किया जाता है। अभी यहाँ देखते हैं, मेटा जो है मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, फेसबुक का नाम चेंज करके ही मेटा किया गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट देखे तो सत्य नडेला यहाँ के CEO हैं, गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई हैं, ट्विटर के हैं इलोन मस्क, एप्पल के हैं टिम कुक, अमेजन के हैं एंडी जेसी, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के हैं जियोफ एलोडिस ऑस्ट्रेलिया की, और BCCI के CEO कौन है, हेमंग अमीन है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट, इनका नाम क्या है, ये हैं सोनिया गोकानी, ये बनी है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट में फिलहाल जितने भी जजेस थे सबसे ज़्यादा उम्र की सीनियर मोस्ट जज थी ये, और 25 फरवरी को इनका रिटायरमेंट भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ये बनाई गई हैं फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट। इसके अलावा आप यहाँ कुछ नाम देख रहे होंगे, इंदिरा बनर्जी, मंजुला चेल्लूर, हेमा कोहली, ये सभी जजेस हैं, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखें तो इंदिरा बनर्जी जो हैं ये चीफ जस्टिस कहाँ की थी, मद्रास हाईकोर्ट की 2017-18 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाईकोर्ट की बात हुई है गुजरात हाईकोर्ट, तो हम हाईकोर्ट्स की ही कुछ महिला जजेस को देखेंगे, जैसे कि हैं फिर नेक्स्ट है मंजुला चेल्लूर,
ये कई सारे हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस रही हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, फिर ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट थी, उसके बाद ये केरला हाई कोर्ट की भी चीफ जस्टिस रही हैं और पहली फीमेल जज थी कर्नाटका हाई कोर्ट में। जी रोहिणी की बात करें तो ये पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी दिल्ली हाई कोर्ट की। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो गवर्नर यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत, इन्हीं के द्वारा शपथ दिलवाई गई सोनिया गुकानी को, जो कि नई चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट की। सीएम कौन है यहाँ के? भूपेंद्र पटेल हैं। नीमाबेन आचार्य ये बनी है पहली वुमेन स्पीकर ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर सुप्रीम कोर्ट एक प्ली की हियरिंग कर रहा था टू प्रोटेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसी में एक आइडिया दिया गया प्रोजेक्ट GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन लाइन विद द प्रोजेक्ट टाइगर। रिसेंटली गुजरात मोरबी ब्रिज ये कोलैप्स हो गया था, आपने देखा होगा न्यूज़ में। उसके बाद 36 नेशनल गेम्स ये कहाँ पर हुए? अहमदाबाद गुजरात में। पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल इन गुजरात। और दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल की है उसके बाद वो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। ठीक है, लेटेस्ट वन हम इसको पढ़ते थे अभी तक, लेकिन इसके बाद अब गरबा भी शामिल हो गया यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और ये कहाँ से है? गरबा गुजरात का है। फोर्थ एडिशन ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड धर्मा गार्जियन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? धर्मा गार्जियन आप एक्सरसाइज रिवाइज करते ही रहते हैं, हम हर दूसरे दिन रिवाइज करते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये आप लोगों के लिए। हालांकि शुरू अभी हुई है लेकिन आपको याद ही होगा इंडिया और जापान के बीच होती है धर्मा गार्जियन। ये फोर्थ एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। कहाँ पर ये हुआ? तो जापान में इसको कंडक्ट किया गया और शुरू कल यानी 17 फरवरी से हुआ है, 2 मार्च तक ये चलने वाला है। ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है बिटवीन टू कंट्रीज। और करंट अफेयर रिविजन करें कुछ तो इंडिया और जापान, इनकी फर्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज इसका नाम क्या है? वीर गार्जियन है। 2023 में ये कंडक्ट हुई। जापान के पीएम कौन है? फुमियो किशिदा हैं। और करेंसी यहाँ पर येन इस्तेमाल होती है। यहाँ एक्सरसाइजेस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच है, पहली बार 2023 में कंडक्ट की गई जैसलमेर राजस्थान में। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर ये इंडिया और सिंगापुर के बीच महाराष्ट्र में हुई। एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है, ये इंडोनेशिया में हुई। एक्सरसाइज काजिंद जो है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है, उमरोई मेघालय में हुई थी। हम सब 2022 के देख रहे हैं। ठीक है, हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है। फिर युद्ध अभ्यास इंडिया और USA का है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल का है। ऑस्ट्रो हिंद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। धर्मा गार्जियन इंडिया जापान के बीच। और संप्रीति एक्सरसाइज होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स एट एवनला एंड फूलपुर ऑफ विच स्टेट? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। मनसुख मंडाविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इफको का नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। कहाँ पर किया है? ये दो जगहों के नाम दिए गए हैं। पूछा है कि किस स्टेट में ये जगह स्थित है, तो आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश। अभी इसकी डिटेल को समझते हैं। तो नैनो यूरिया जो है बेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी है और ये प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस टू पोल्यूशन। ये सेव करता है सॉइल को एंड इंक्रीज करता है फार्म प्रोडक्टिविटी। इफको की बात करें तो ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर भी है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइंस एंड टेक का कुछ पोर्शन आपके एग्जाम्स में आता है तो थोड़ा समझिएगा। नैनोक्विड नैनो यूरिया है ये होता क्या है? तो सबसे पहले तो इफको यहाँ पर है ना, तो इफको के पास इसका पेटेंट है। इफको के पास पेटेंट है मतलब क्या हुआ कि इफको के अलावा कोई और इसका प्लांट नहीं लगा सकता है। कोई और इसका संयंत्र अगर लगाना चाहेगा तो इफको की परमिशन ज़रूरी होगी उसके लिए, या फिर अगर कोई और इसको प्रोड्यूस करता है तो। अब ये लिक्विड नैनो यूरिया है क्या? तो एक तरह का केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। और इसे क्योंकि इफको के पास पेटेंट है इसका मतलब इफको ने ही इसे विकसित किया है, तो बिल्कुल सही बात है। इफको का एक ककोल में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है और उसी रिसर्च सेंटर ने इसे डेवलप किया है, इसे विकसित किया है। और यहाँ पर ये शब्द आ रहा है नैनो, इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटे कण है इसके, बहुत छोटे कण। अगर आप पूछें कि कितने छोटे हैं तो लगभग 20 से 50 नैनोमीटर के बीच में इसके कण हैं। और इसीलिए जो हम ट्रेडिशनल रूप से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रेडिशनल यूरिया हम इस्तेमाल करते थे उसकी अगर हम दक्षता की बात करें तो वो 25% हुआ करती थी सिर्फ,
है ना, लेकिन अगर ये वाला यूज़ करना शुरू कर दिया तो 85-90% इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है लिक्विड नैनो यूरिया, और इसको ना बेसिकली जो पौधे होते हैं प्लांट्स की पत्तियों पर छिड़का जाता है, और फिर पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा वो ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है। और नैनो टेक्नोलॉजी वैसे भी कमाल की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, जिसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और जो हम थोड़ा बहुत रिज़ल्ट देख भी रहे हैं, शुरू कर दिया है रिज़ल्ट दिखना इसका। अभी यहाँ पर यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो गवर्नर कौन है, यूपी की आनंदीबेन पटेल है, सीएम है योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में पनियाला जो है, गोरखपुर का पनियाला, इसे GI टैग रिसेंटली दिया गया है। सानिया मिर्ज़ा मिर्ज़ापुर की है, ये मिर्ज़ापुर यूपी में ही है, वहाँ की हैं, और ये बनी है इंडिया की पहली फीमेल मुस्लिम फाइटर पायलट। फिर हमने देखा था पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था MV गंगा विलास क्रूज़, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, वाराणसी से, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है MV गंगा विलास। फॉर्मर यूपी सीएम मुलायम सिंह यादव, इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हें अभी मरणोपरांत सेलेक्ट किया गया है पद्म विभूषण के लिए, जो हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया 2023 में, 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है। यूपी में कुछ टाइगर रिजर्व्स देखें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये हमारे देश का 53rd टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। ये जो फेयर है इसको द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेजिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर ये शुरू हुआ, नई दिल्ली में, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। ये शोकेस करेगा फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज दैट प्रमोट हार्मनी बिटवीन नेचर एंड साइंस। और जो 11 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के 11 एरियाज़ को इसमें कवर किया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं, तो वही है, नैनो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, यही इसी तरह की 11 एरियाज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इसमें कवर किए गए। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ करंट, तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, 2nd वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं आफ्टर प्रतिभा सिंह पाटिल, और ये पहली पर्सन है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट पर्सन टू ऑक्यूपाई द पोस्ट, और पहली प्रेसिडेंट हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद हम देखें, उन्होंने ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। संविधान में प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ बात की गई है, तो आर्टिकल 54 जो है ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करता है। 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने समय तक प्रेसिडेंट अपने पद पर बैठे रहेंगे इसकी बात करता है। फिर 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस भी हुई है प्रेसिडेंट की, और 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, क्षमादान की शक्ति ये दी गई है आर्टिकल 72 में। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पैंगोंग सो। पैंगोंग सो लेक कहाँ है, अगर आपको सिर्फ यही पता है तो आप बता देंगे कि इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ होने वाली है। तो ये होने वाली है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पैंगोंग सो लेक कहाँ पर है, लद्दाख में ही है। ये मैराथन 13,862 फीट की ऊंचाई पर होगी, और ये अपनी तरह की पहली ये मैराथन होने वाली है जो कि इस एल्टीट्यूड पर हो रही है, इतनी ऊंचाई पर हो रही है। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह एंड लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं कुछ लद्दाख से रिलेटेड, तो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के बनाए गए हैं BD मिश्रा, RK माथुर थे अभी तक, अब इनकी जगह BD मिश्रा आए हैं। याया सो ये बनाया लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी ये लद्दाख में है। फिर उसके बाद जस्टिस नोंग मिकापम कोटेश्वर सिंह, ये चीफ जस्टिस बने हैं ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये भी आपको याद रखना है, रिसेंट का ही है बहुत। इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लद्दाख के पुगा विलेज में इस्टेब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये लेह में नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया, और रेवा स्कीम जो है ये भी लद्दाख की है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लद्दाखी स्टूडेंट्स फॉर अवेलिंग कोचिंग फैसिलिटीज। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट स्टार्टेड इन विच प्लेस, तो ये जो समिट है ये स्टार्ट हुई है दिल्ली में, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट, इसे एड्रेस किया है हमारे PM नरेंद्र मोदी ने, और होटल ताज पैलेस जो है दिल्ली का, यहाँ पर इसको किया गया। थीम क्या है इसकी,
तो इसी थीम देखिए, रेजिलियंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। और ये जो समिट है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट, इसे होस्ट किया जाता है एनुअली बाय द टाइम्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री अप्रूव्ड मेंस्ट्रुअल लीव लॉ इन फर्स्ट फॉर यूरोप। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल लीव लॉ, ये बनाया गया है स्पेन में और ये यूरोप की पहली कंट्री है जिसने इस तरह का लॉ बनाया है। अभी हम देखें तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का लॉ चल रहा है, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जैसे कि जापान है, इंडोनेशिया है, जाम्बिया है। यूरोप की पहली कंट्री है स्पेन। इस लॉ के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को अगर ज़रूरत है पीरियड पेन के टाइम पर, वो लीव ले सकते हैं। और जो स्टेट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसके द्वारा इस लीव के लिए कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, भारत में भी हमने ऐसा कुछ देखा था, कहाँ, केरला में। विच बैंक वॉज ऑनर्ड विद द प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजी धन अवार्ड्स 2021-22। तो प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजी धन अवार्ड्स के अंतर्गत ये मिला है कर्नाटका बैंक को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। किसके द्वारा दिया गया है, तो मेटी जो हमारी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा दिया गया है। क्यों मिला है इसे, क्योंकि इसने अचीव किया है टारगेट विद द हाइएस्ट परसेंटेज इन भीम UPI ट्रांजेक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। ठीक है, और डिजी धन अवार्ड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है फॉर द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स इन द डिजिटल पेमेंट्स स्पेस। और इसी में, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स में भीम UPI ट्रांजेक्शन में इसने हाईएस्ट परसेंटेज दिखाया, इसीलिए कर्नाटका बैंक को ये दिया गया है। कर्नाटका बैंक के MD और CEO कौन है, तो ये है महाबलेश्वर MS और इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड एट DPIFF। DPIFF क्या है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड ये किसे मिला है, तो आप पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये, कांतारा मूवी आपने देखी है, नहीं देखी तो देखिएगा, मुझे भी देखनी है। ऋषभ शेट्टी इनका नाम है, तो इन्हें मिला है मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कांतारा मूवी के एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी, इन्हें ऑनर किया गया विद द मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर हिज स्टेलर परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। DPIFF की बात करें, ये फाउंडेड इन 2012 एंड एस्टेब्लिश्ड इन 2016। इसके CEO कौन हैं, अभी अभिषेक मिश्रा हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए एक बार, G20 मीटिंग, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर G20 समिट होने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी इसके तहत मीटिंग्स हो रही हैं। तो सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ हुई, लखनऊ में हुई। इंसेप्शन मीटिंग ऑफ G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये आगरा में हुई। फिर G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, ये कहाँ पर, मेटी सेक्रेटरी जो है अल्केश कुमार शर्मा, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का फर्स्ट मॉडल G20 समिट, ये इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। सेक्रेटेरिएट फॉर साइंस 20 S20 मीटिंग, ये IISc बेंगलुरु में हुई। और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, ये नई दिल्ली में मार्च 2023 में होने वाली है। इसी के साथ हम पहुंच गए वीडियो के एंड पर, और लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फ्रॉम विच कंट्री विल 12 चीता बी ब्रॉट ऑन 18 फेब 2023। 18 फरवरी यानी आज के दिन 12 चीता लाए जाएंगे किस कंट्री से इंडिया में। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ सूडान। आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय